फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने सकारात्मक ग्रुप में। दोस्तों, बता दें, रेलवे की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी, आपकी 39 जोड़ी यानी कि 78 नई ट्रेनों को मंजूरी मिल चुकी है। सभी जोनों को मिलाकर जो कि यहाँ पे ऑफिशियल लिस्ट यहाँ पे रेलवे की तरफ से जारी हो चुका है। बताएंगे इस अपडेट के बारे में। वीडियो कर दे अभी से यहाँ पे लाइक, चैनल कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा ताकि ऐसी पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, ऑफिशियली अपडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेलवे की तरफ से यहाँ पे बात करें तो 7-10 का ही अपडेट है। यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिजायर्ड फॉलोइंग ट्रेन सर्विसेज शुड बी इंट्रोड्यूस एज स्पेशल सर्विसेज फ्रॉम अर्ली कन्वीनियंट डेट। यानी कि डेट दोस्तों यहाँ पे कब से चलेगी ये नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जारी हो चुका है। सभी जोनों ने यहाँ पे रेलवे को यहाँ पे भेज दिया था अपने अपने ट्रेनों का लिस्ट। आइए दोस्तों देख लेते हैं एक एक करके ट्रेनों का लिस्ट। यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की बात करें तो 121-71 यहाँ पे लोकमान्य तिलक हरिद्वार एसी एक्सप्रेस जो कि सप्ताह में 2 दिन चलेगी। ये सभी ट्रेनों का मैंने अपडेट पहले भी आपको दिया था। अली दोस्तों बात करें लोकमान्य तिलक लखनऊ एसी एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन। अली दोस्तों 3 नंबर की ट्रेन है अजनी पुणे एसी एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन। नागपुर अमृतसर एसी एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन। कामाख्या लोकमान्य तिलक एसी एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन। कामाख्या यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन। निजामुद्दीन पुणे एसी एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन। आनंद विहार यहाँ पे नहरियागुन एसी एक्सप्रेस जो कि सप्ताह में 1 दिन। न्यू दिल्ली कटरा एसी एक्सप्रेस डेली चलेगी। बारमार यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन। सिकंदराबाद शालीमार एसी एक्सप्रेस यहाँ पे वीकली चलेगी सप्ताह में 1 दिन। यहाँ पे लिंगापल्ली कालीकंद टाउन ट्राई वीकली सप्ताह में 3 दिन चलेगी। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम एसी एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन। अगले दोस्तों ट्रेन है यहाँ पे सतनागाछी चेन्नई एसी एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन। हावड़ा यशवंतपुर यहाँ पे वीकली चलेगी सप्ताह में 1 दिन। यहाँ पे चेन्नई मधुरई एसी एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन। और 17 नंबर की ट्रेन है यहाँ पे बांद्रा भुज एसी एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन। भुवनेश्वर आनंद विहार एसी सप्ताह में 1 दिन। भुवनेश्वर नई दिल्ली एसी दुरंतो सप्ताह में 1 दिन। निजामुद्दीन पुणे एसी दुरंतो है जो कि बाई वीकली यानी कि सप्ताह में 2 दिन। यहाँ पे हावड़ा पुणे एसी दुरंतो बाई वीकली ये भी ट्रेन सप्ताह में 2 दिन। यहाँ पे साउदर्न रेलवे की तरफ से चेन्नई निजामुद्दीन एसी दुरंतो ट्रेन जो है यहाँ पे बाई वीकली सप्ताह में 2 दिन चलने वाली है। अगले तो 23 नंबर की ट्रेन है डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी वीकली यानी कि सप्ताह में 1 दिन। एक और ट्रेन है यहाँ पे आपको बता दें डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी जो कि सप्ताह में 2 दिन। मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन राजधानी डेली यहाँ पे बांद्रा निजामुद्दीन युवा एक्सप्रेस ये भी वीकली चलेगी सप्ताह में 1 दिन। अगली दोस्तों ट्रेन है एयर कंडीशन सर्विसेज विथ सीटिंग अकोमोडेशन यानी कि इसमें यहाँ पे चेयर कार होगा और एसी सर्विसेज होगी। यहाँ पे बात करें तो बेंगलुरु चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस एक्सेप्ट ट्यूजडे यहाँ पे मंगलवार को छोड़ के चलेगी। यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की तरफ से मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी एक्सेप्ट संडे चलने वाली है। चेन्नई कोम्बिटूर शताब्दी एक्सेप्ट ट्यूजडे। न्यू दिल्ली हबीबगंज शताब्दी डेली चलेगी। न्यू दिल्ली अमृतसर शताब्दी डेली चलेगी। न्यू दिल्ली देहरादून शताब्दी डेली चलेगी। न्यू दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सेप्ट थर्सडे यहाँ पे चलने वाली है। हावड़ा रांची शताब्दी यहाँ पे चलेगी एक्सेप्ट संडे। यहाँ पे न्यू दिल्ली श्री वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस एक्सेप्ट ट्यूजडे यहाँ पे चलने वाली है। जयपुर दिल्ली सराय रोहिला ट्रेन साथ ही साथ डबल डेकर यहाँ पे अहमदाबाद डबल डेकर और विशाखापट्टनम तिरुपति डबल डेकर भी इस सप्ताह शुरू होने वाली है। अगली दोस्तों ट्रेन यहाँ पे बात करें विशाखापट्टनम तिरुपति डबल डेकर ट्राई वीकली जो कि सप्ताह में 3 दिन चलेगी। और जो डबल डेकर चेन्नई बेंगलुरु है ये आपको डबल डेकर डेली चलेगी। और अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर जो है वो संडे को छोड़कर सभी दिन चलेगी। और जयपुर सराय रोहिला डबल डेकर डेली यहाँ पे चलने वाली है। और साथ ही साथ जिसको वैष्णो देवी यहाँ पे कटरा जाना है जैसा कि यहाँ पे नवरात्रि आ गया तो न्यू दिल्ली यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पे ट्यूजडे को छोड़ के यहाँ पे चलने वाली है। जो कि दोस्तों ये ट्रेनों का जो मैं आपको लिस्ट बताया 39 ट्रेनें नई ट्रेनें जो कि यहाँ पे हो सकता है शुरू आपके 15 अक्टूबर से हो जाए, लेकिन अभी तक डेट नहीं है। साथ साथ बुकिंग भी नहीं है। साथ साथ आपको बता दें कि IRCTC की तरफ से तेजस एक्सप्रेस भी बहुत ही जल्द यहाँ पे चालू करने की उम्मीद है जिसकी बुकिंग आपकी 10 तारीख से यहाँ पे उम्मीद है कि हो सकती है 15 से अगर ट्रेनें शुरू होंगी या तो नहीं 2 दिन पहले यानी कि 13 तारीख से इन ट्रेनों का बुकिंग यहाँ पे शुरू हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अपडेट की बात करें तो आज तक का अपडेट है यहाँ पे देख सकते हैं। इसने यहाँ पे बताया कि सभी ट्रेनें यहाँ पे चलाई जाएंगी लेकिन यहाँ पे कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही अनुमति होगी इसमें चढ़ने की और इसमें यात्रा करने की।
और दोस्तों इस 39 ट्रेनों के बारे में ये भी कहा गया है कि ये ट्रेनें अभी कब से शुरू होंगी इसका कोई भी अपडेट रेलवे की तरफ से अभी नहीं आया है। और जैसे ये सारी ट्रेनें सभी जोनों ने यहाँ पर भेजी थी तो उसको यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, और ये कब से यहाँ पर चलेंगी इसकी जानकारी देख सकते हैं, लेकिन इन्हें कब से चलाया जाएगा इसकी जानकारी नहीं दी है। रेलवे के मुताबिक जल्द ही 39 नई ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। साथ साथ दोस्तों 9 अक्टूबर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से नागपुर, पुणे और गोविंदपुर यहाँ पे सोलापुर के 10 स्पेशल ट्रेनें चालू हुई हैं, जिसका अपडेट मैंने अपने चैनल के माध्यम से पहले बता दिया था, और ये सभी ट्रेनों का भी अपडेट मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बता दिया था। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी आपको अपडेट देनी थी, और अपडेट पाते रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी ट्रेनों का जो लिस्ट है मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिया है, आप जाके सभी ट्रेनों का लिस्ट देख सकते हैं जो कि ऑफिशियली रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। और उम्मीद है कि 15 अक्टूबर से ये सभी ट्रेनों का चलाने का नोटिस रेलवे जारी कर देगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी पल पल की अपडेट पाते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर इस नए अपडेट के साथ।